उसके बाद है पलामू नेशनल पार्क, ये झारखंड में है। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क एमपी, ये मध्य प्रदेश का बहुत ही कहने की फेमस नेशनल पार्क है। कई बार तो ये कहा जाता है कि पूरे हम लोग राज्यों को तुलना करेंगे तो सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर 11-12 की संख्या में नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश को कई पुस्तकों में टाइगर राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 11 या 12 नेशनल पार्क है। हमारे राज्य में 3 नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में 11 या 12 नेशनल पार्क है और टाइगर की संख्या ऑल ओवर राज्यों में सबसे अधिक है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। क्लियर। आगे है बांडीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, ये कर्नाटक का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। बांडीपुर नेशनल पार्क ये भी टाइगर और बाइसेन, टाइगर और बाइसेन या बाइसन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब कर्नाटक का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। क्लियर। यह है नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी भारत में। यह है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस है असम में। असम में 2 नेशनल पार्क फेमस है, एक है मानस, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और यह है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंग वाले गेंडे, मतलब एक सिंग वाले राइनोसिरोस के लिए फेमस है। वैसे गेंडे में 2 सिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे राइनोसिरोस के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान, ये भी राजस्थान का बहुत फेमस कहने की नेशनल पार्क है सरिस्का, ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क है यूपी, ये यूपी का फेमस नेशनल पार्क है। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये कहने की छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है। अपने राज्य में 3 नेशनल पार्क है, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क बीजापुर, टाइगर के लिए फेमस है, ये भी टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर है। एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया जिले में है, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, वो भी टाइगर के लिए फेमस है। एक है कांगेर नेशनल पार्क वो जगदलपुर में है। अपने राज्य में केवल 3 है, क्योंकि अपने राज्य छोटे राज्य है। नागार्जुन नेशनल पार्क है, इसको भी एक बार नेट में पूछा गया था, इसको नागार्जुन सागर अभयारण्य भी कहा जाता है, यहाँ पर भी इसका नाम मिलेगा नागार्जुन सागर नेशनल अभयारण्य या फिर नागार्जुन सागर पार्क। इसको एक बार ऐसे पूछा गया था, वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जो सबसे बड़ी है, सबसे अधिक संख्या तो सुंदरवन में संख्या में, लेकिन सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व, तो सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन है, नागार्जुन नेशनल पार्क या नागार्जुन नेशनल सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। गिर नेशनल पार्क है, ये गुजरात के कहने चाहिए जूनागढ़ जिले में है, सासन गिर नामक स्थान में है, ये तो पूरे एशिया में फेमस है। किसके लिए, एशियाई शेर के लिए, लायन के लिए, ठीक है, जो लायन है केवल भारत और अफ्रीका में पाई जाती है। गिर नेशनल पार्क गुजरात के जूनागढ़ में। उसके बाद है राजा जी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, सफेद कलर के टाइगर, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था, सबसे पहली बार व्हाइट टाइगर कहाँ देखा गया, तो सबसे पहली बार व्हाइट टाइगर यहाँ देखा गया था सुंदरवन नेशनल पार्क में, लेकिन यहाँ पर भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी कहना चाहिए आजकल व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है नेशनल सेंचुरीज, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी प्रतिबंधित है 100%, इसमें 100% प्रतिबंधित नहीं होते हैं, इसमें कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं। इसके चारों तरफ दीवार पाए जाते हैं, आकार में छोटी हो सकती है, ये आकार में क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसका कुछ नाम देखते हैं, दोनों का नाम मिलता जुलता ही रहेगा, क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क है उसके बगल में गिर वन भी है, उसको सेंचुरीज बना दिया गया है। तो नागार्जुन सागर नेशनल सेंचुरीज आंध्र प्रदेश, डचिगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर, डचिगम नेशनल सेंचुरीज जम्मू कश्मीर, इसको भी एक बार पूछा गया था, ये कहना चाहिए कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। इन पूरे कहना चाहिए नेशनल पार्क नेशनल सेंचुरीज में कस्तूरी मृग सिर्फ कहाँ पाई जाती है, डचिगम नेशनल सेंचुरीज जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पलामू झारखंड, गिर नेशनल सेंचुरीज गुजरात,
चिल्का झील ये कहना चाहिए उड़ीसा में है। उसी प्रकार से सरिस्का ये कहना चाहिए राजस्थान में है। सिंपली पॉल ये कहना चाहिए उड़ीसा में है। उसी प्रकार से केवला देव घाना पक्षी विहार ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ये पक्षी के लिए है। ठीक है जी, केवला देव घना या घाना भी लिखा रहता है, केवला देव घाना पक्षी विहार भरतपुर जिला राजस्थान, ये इसलिए फेमस है जो साइबेरिया नामक देश होते हैं वहां पर कुछ पक्षी पाए जाते हैं जिसको साइबेरियन क्रेन कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर शीत ऋतु में आते हैं और कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद पुनः वापस चले जाते हैं। प्रति वर्ष जो साइबेरिया देश है वहां के जो पक्षी होते हैं साइबेरियन क्रेन ठंड के समय में आते हैं और कुछ दिनों यहाँ व्यतीत करते हैं और अपने आप चले जाते हैं। ये भरतपुर जिले में है राजस्थान। कॉर्बेट नेशनल सेंचुरी ये कहने की उत्तराखंड में है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल सेंचुरी उत्तराखंड नैनीताल में है, ये प्रथम नेशनल पार्क का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। उसी प्रकार से कहना चाहिए सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना में है। ये तो केवल कहने की दो चार है, इनकी संख्या 550 है, इनकी संख्या 103 है। आप लोग अन्य बुक में पूरी टेबल में इसको देख लेंगे। एक बार पूछा गया था जो उड़ीसा है उनकी जो भुवनेश्वर सिटी है राजधानी है वहां पर नंदन कानन एक नेशनल सेंचुरी है पार्क या सेंचुरी। ठीक है, वो किसके लिए फेमस है तो उत्तर में दिया था वो पहाड़ी बकरा के लिए फेमस है। एक बार पूछा गया था जंगली गधा कौन से पार्क या सेंचुरी में पाई जाती है, जंगली गधा ये पाई जाती है गुजरात का एक सेंचुरी है, सेंचुरी का नाम है कच्छ ऑफ रन, समुद्र के किनारे है कच्छ ऑफ रन, वहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अन्य पुस्तकों में एक टेबल होगा नेशनल पार्क का और नेशनल सेंचुरी का, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ये दोनों इन सीटू के अंतर्गत आते हैं और उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखा गया बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, एनिमल को बचाने के लिए पहले नेशनल पार्क लाया गया फिर नेशनल सेंचुरी लाया गया, इसमें विशेष रूप से एनिमल का कंजर्वेशन किया जाता है। बाद में तीसरे लाया गया बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें एनिमल और प्लांट दोनों को कहने की संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत यूनेस्को ने, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इसको कहने की क्या किया, प्रारंभ किया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, कंजर्वेशन, रिसर्च, एजुकेशन और स्थानीय भागीदारी, चार उद्देश्य लिखा है पुस्तकों में। पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है रिसर्च मतलब अनुसंधान, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है स्थानीय भागीदारी, मतलब इन चारों की सहायता से बायोडायवर्सिटी मतलब एनिमल और प्लांट दोनों को क्या करना है, बसाना है। क्लियर, इसी के तहत आगे चलकर भारत में 1973 में बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हुई, 1973 में शुरुआत हुई भारत में। अब भारत का प्रथम कहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, नीलगिरी वन, इसको 1986 में स्थापित शुरुआत हुई थी 1973 में। अब भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, नीलगिरी, जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तीन राज्यों में फैले हुए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जो नीलगिरी वन है तीन राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है अपने देश में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर एनिमल और प्लांट दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चलकर दूसरे तीसरे चौथे कहने थी इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। और उसके बाद कहना चाहिए वास्तव में जो 14 नंबर का है, वास्तव में जो 14 मतलब जो 14 नंबर का कहना चाहिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व।
ये जो अचानक मार है ये छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है और ये अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश में है। तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर 14वें नंबर का कहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व है और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर। वर्तमान समय में 18 या 19 वर्तमान समय में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, किसी पुस्तक में 18 लिखा रहता है और किसी में 19 लिखा रहता है। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व। जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का जोन। तो कुछ पुस्तकों में 4 जोन, कुछ में 5 और कुछ में 3 जोन। तो इसमें 3 जोन विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, एक चित्र बना रहा हूं, इसमें क्लियर हो जाएगा। तीन जोन है इसमें, यह है कोर जोन या कोर एरिया, दूसरा है बफर जोन और तीसरा है मैनिपुलेशन जोन। ठीक है जी, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन है, इसको हम लोग कह रहे हैं कोर एरिया। ये जो सेंट्रल है, ये जो सेंट्रल है ये क्या है, कोर एरिया है, कोर जोन जो सबसे मध्य में स्थित होती है बायोस्फीयर रिजर्व का। और ये जो दूसरे वाले दिख रहे हैं ये कहने चाहिए बफर जोन है। और ये जो तीसरे वाले दिख रहे हैं ये क्या है, ये मैनिपुलेशन जोन है। ठीक है, तो मान लो कहने चाहिए कोई भी बायोस्फीयर है, कोई जरूरी नहीं कि गोल रहेगा, ये तो केवल एक स्पेसिमेन चित्र है, हो सकता है ऐसी लंबी है या फिर ऐसे है। तो उनके कहना चाहिए जो सेंट्रल भाग होती है बायोस्फीयर रिजर्व में, जो सेंट्रल भाग होती है, ठीक है, चाहे लंबी रहे चाहे चौड़ी रहे, किसी भाग को हम लोग सेंट्रल तो बोलेंगे, तो उस सेंट्रल भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर एरिया, और उसके बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, बफर जोन, और सबसे आउटर को क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन जोन। क्लियर। तो यहां पर जो यहीं से क्वेश्चन आया था कि बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से क्षेत्र में मानव एक्टिविटी 100% प्रतिबंधित होती है, तो जो कोर एरिया होता है, जो सेंट्रल भाग होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी 100% क्या होती है, निषेध होती है, प्रतिबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति लेकर कुछ हद तक कहना चाहिए मानव एक्टिविटी किया जा सकता है। जिस प्रकार से नेशनल पार्क में 100% क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, इसमें अनुमति लेकर कुछ गतिविधि की जा सकती है, उसी प्रकार से इसमें भी मानव गतिविधि पूर्णतः क्या होती है, नहीं होती है, इसमें कुछ मात्रा में गतिविधि की जा सकती है। क्लियर। तो यह हो गया इन सीटू के अंतर्गत नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। इसके बाद कहना चाहिए एक्स सीटू को और ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स सीटू के अंतर्गत बोटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, टिश्यू कल्चर है, सीड बैंक है, जीन बैंक है, ये सब कहना चाहिए एक्स सीटू होते हैं, मतलब शहरों के नजदीक में कोई गार्डन या फिर पार्क या फिर कोई लॉजिकल गार्डन बना दिया जाता है, वहां पर वैज्ञानिक रहते हैं और उन्हीं की देखरेख में कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अध्ययन करेंगे बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जस्ट अध्ययन करेंगे
केवल कहना चाहिए राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बचा हुआ है और लास्ट में कहना चाहिए आर्द्र भूमि है। क्लियर। टेन ऑन टेन पेश करते हैं भारत के 10 सबसे अच्छे राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 10, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नगांव जिले में मौजूद है और ये 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 2400 यानी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। इस जगह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। नंबर 9, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये पार्क बंगाली शेर के लिए खासा जाना जाता है। जयपुर से 130 किलोमीटर दूर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान एक समय पर राजा महाराजाओं के लिए शेरों व तेंदुए के शिकार करने की जगह हुआ करती थी। नंबर 8, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। भारत के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश में आप जा सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक हरा भरा उद्यान है। यहाँ पर जंगली सुअर और सियार के साथ साथ शेरों को भी देखा जा सकता है। आप कान्हा म्यूजियम जाकर यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में करीब से जान सकते हैं। नंबर 7, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटका में है। 874 वर्ग किलोमीटर बड़े इस राष्ट्रीय उद्यान में आप हिरन, हाथी, जंगली सांड, शेर इत्यादि से रूबरू हो सकते हैं। इस पार्क में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हिमवत गोपाला स्वामी मंदिर है, जहां से इस उद्यान का अद्भुत नजारा लिया जा सकता है। नंबर 6, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला के पश्चिमी घाटों में मौजूद है। इस जगह आकर आप जंगली सांड, शेर, सांबर, हाथी, अफ्रीकी लंगूर आदि को देख सकते हैं। इस पार्क के उत्तर में पेरियार झील है, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आकर आप बोट राइडिंग का आनंद ले सकते हैं। ये पार्क 925 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की वादियों के पास स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 820 वर्ग किलोमीटर के इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सी राजा गोपालाचारी के नाम के ऊपर रखा गया है, जिन्हें प्यार से राजा जी बुलाया जाता था। इस पार्क में आपके दर्शन एशियन हाथी, बंगाली शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे आदि से हो सकते हैं। नंबर 4, बानरघटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका। बानरघटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर के पास स्थित है। हालांकि ये उद्यान सिर्फ 104 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये जगह बहुत ही लोकप्रिय है। इस जगह सफारी पार्क होने के साथ साथ जू भी है। इस जगह आप मछली घर, सांप घर और तितली घर भी देख सकते हैं। ये जगह ट्रैकिंग करने वालों को बेहद पसंद आती है। नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनीताल के पास मौजूद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जहां हर साल लगभग 5 से 10 लाख पर्यटक आते हैं। 520 वर्ग किलोमीटर के इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम अंग्रेज शिकारी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस पार्क की स्थापना की थी। जेम्स कॉर्बेट ने चंपावत शेर का शिकार किया था, जिसने 436 लोगों की जान ली थी। नंबर 2, गिर राष्ट्रीय उद्यान
गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान काफी बड़ा उद्यान है जो 1412 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर जीव जंतुओं की काफी विविधता है। मुख्य रूप से ये उद्यान बब्बर शेर, कोबरा सांप, चीतल और नीलगाय के लिए जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नंबर एक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है और इसका नाम पूर्व में भरतपुर बर्ड सेंचुरी हुआ करता था। 28 वर्ग किलोमीटर के इस उद्यान को कृत्रिम रूप से अस्तित्व में लाया गया है। ये उद्यान लगभग 230 पक्षियों का निवास स्थान है, जिस वजह से ये पक्षी प्रेमियों के लिए एक उत्तम जगह है। इस उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चुना गया है। सासन गिर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। हम पहुँच गए हैं, एशियाटिक लॉयन सिटी है सासन गिर, जूनागढ़ के ठीक पास में गुजरात। सिर्फ 2 मिनट बचा है इसलिए हम लोग यहाँ पे दौड़े हुए आए। एक मिनट लेट होते तो बस नहीं मिलती थी, है? एक मिनट भी नहीं, आधे मिनट का ही फर्क हुआ। आधी मिनट, सुबह भी ऐसा ही हुआ। बहुत गाड़ी चलाई इसलिए बहुत गए नहीं। बहुत तूफानी गाड़ी चलाया और तब हम पहुंचे। अभी ये बस है और इसमें टूर करेंगे हम, देखते हैं। तो 100% अभी तो शेर देख रहे हैं। कम से कम आधा घंटा घूमेंगे। कितना लिया टिकट का? 190 रुपए एक का। ओहो, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और अभी हम जाएंगे गिर फॉरेस्ट में। जी मिली है आगे वाली सीट, सबसे आगे। अभी हम रोड से अंदर घुस गए हैं और जा रहे जंगल की तरफ। इधर ही कहीं शेर देखने को मिलेगा। अभी तक तो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अभी शाम के टाइम है, 5:00 बजकर कुछ ही मिनट हुए, तो शायद यहाँ पे दिख जाएगा शेर कहीं ना कहीं। तो अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे एक पानी का तालाब और ऐसा दिख रहा है। भी कुछ नहीं है, चलते हुए 10 मिनट होने आया है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। खुला मैदान जैसा आ गया लेकिन शेर अभी तक कुछ भी। ये बैठे हैं, मतलब यहाँ पे शेर नहीं है। ये आया है तालाब जैसा कुछ है। ये रहा गिर का शेर।
चला गया चला गया। शेरनी बैठ गई यहाँ पे। शेरनी उधर देख रही है शेर की तरफ और वो लेने गए हुए हैं। शेरनी स्टाइल करी दियो जंगल का बादशाह दोनों मिल रहे हैं आपस में। Goodbye.